अब हम चैप्टर 9 के बारे में पढ़ते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 9 का नाम है अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिस को रिवाइज कर लेते हैं। मीनिंग जो चीज़ें हम पीछे पढ़ कर आ चुके हैं वो क्या है। हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा और अल्केन्स को बारे में हमने ये देखा कि इसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद हमने अल्कीन्स को स्टडी किया। अल्कीन्स के बारे में हमने देखा कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है। फिर उसके बाद हमने देखा अल्काइन्स। अगेन अल्काइन्स में कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही है, उनके साथ एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। जो ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, यानी इस टाइप के कंपाउंड्स जो अब हम स्टडी करने वाले हैं, इनको हम कहते हैं अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब अरोमेटिक का मतलब ये है कि कुछ खुशबू है जो ऐसे कंपाउंड्स में होती है, क्योंकि अरोमेटिक वर्ड इट्सेल्फ अरोमा से बना है। अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंट, यानी ऐसी चीज़ जिसमें खुशबू हो। दूसरी चीज़ जो आपकी बुक में लिखी हुई है इन कंपाउंड्स के बारे में वो ये है कि दे हैव अ लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो इन देयर मोलेक्युलर फॉर्मूला और हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। अब कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो का मतलब ये है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम से, तो जो चीज़ हमें मिलेगी वो होगी रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन एटम्स। और अगर हम कंपेयर करें अरोमेटिक अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स के, तो हम देखते हैं कि अरोमेटिक कंपाउंड्स में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। इसी वजह से इनकी जो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो है वो लेस होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो जो है वो अल्केन्स की होती है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अल्केन्स इज मोर देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर अल्कीन्स में जो है वो अल्केन से लेस होती है, अल्काइन में सबसे कम ये रेशो होती है, यानी कि अल्काइन के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज वेरी क्लोज टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमने कहा ऐसे कंपाउंड जिनमें खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है। तो सवाल आता है दिमाग में कि क्या तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिनमें से खुशबू आती हो वो अरोमेटिक होंगे, या तमाम अरोमेटिक कंपाउंड्स में से खुशबू आएगी। मीनिंग डू ऑल और अरोमेटिक कंपाउंड्स हैव फ्रेग्रेंस। तो क्वेश्चन इज नो, नॉट ऑल अरोमेटिक कंपाउंड्स हैव फ्रेग्रेंस। तो इसका मतलब ये है कि हम डिफाइन नहीं कर सकते अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को सिर्फ बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन कि उनके अंदर खुशबू होती है या फ्रेग्रेंस होती है। दूसरा सवाल होता है कि अगर तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फ्रेग्रेंस है क्या वो अरोमेटिक हैं। इसका भी आंसर है नो। बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें फ्रेग्रेंस तो है लेकिन वो अरोमेटिक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें अपनी डेफिनेशन को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अरोमा की बेस पे हम अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर जो नई डेफिनेशन हमने बनाई वो ये बनाई कि ऑलमोस्ट ऑल अरोमेटिक कंपाउंड्स को जब हमने स्टडी किया तो देखा कि उनके अंदर एक 6 कार्बन यूनिट है जिसे हमने बेंजीन का नाम दिया। अब 6 कार्बन यूनिट का मतलब क्या है इसको स्टडी करते हैं। 6 कार्बन का मतलब तो सबसे पहले कि हमारे पास 6 कार्बन हो गए। अब आप मेरे पास यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन एटम्स हैं। ये 6 कार्बन सारे एक रिंग की फॉर्म में है। ऑब्वियसली अगर ये एटम हैं तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो के कुछ इस टाइप के होते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड एंड देन फिर कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड। यानी कि ये जो डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स हैं ये अल्टरनेट हैं, और ये आप बहुत जगह देखेंगे। यानी इसके दरमियान में जो है वो डबल बॉन्ड है, फिर इसके दरमियान में सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। यानी दो कार्बन एटम लेंगे तो उनके दरमियान में एक में पहले सिंगल होगा, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब ये जो लाइंस खाली छोड़ी हुई हैं हमने,
इन लाइंस के बारे में आपने याद रखना है कि जैसे हमने एल्केन अल्कीन और अल्काइन में भी देखा था कि उन लाइंस पे अब ये हैं हाइड्रोकार्बन, तो वहां पे जहां पर लाइन शो करेंगे वहां सिर्फ हाइड्रोजन लगा देंगे, जैसे इस लाइन की जगह हाइड्रोजन, फिर यहां हाइड्रोजन लगा देंगे, फिर यहां हम हाइड्रोजन लगा देंगे, फिर यहां हाइड्रोजन लगा देंगे, इन सारी जगहों पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये जो रिंग है इससे हमने कहा ये 6 कार्बन एटम रिंग है और इसका नाम हमने दिया बेंजीन। अब आई एम श्योर इसे ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर आप बुक में लिखेंगे व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो इट वाज डिफिकल्ट, आप लिखें कार्बन 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 देन सिंगल डबल बॉन्ड, तो हमने इसको लिखने का एक आसान और शॉर्टकट बनाया। वो क्या है, हम 6 कार्बन एटम दोबारा लेते हैं, इनके दरमियान में अगर मैं इन 6 के 6 कार्बन एटम्स को आपस में कनेक्ट कर दूं लाइन से, तो आप देखें कि ये इस फॉर्म में बनते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स एटम्स भी हम लिख देते हैं और हाइड्रोजन के साथ इनके बॉन्ड्स भी बना देते हैं, तो हमने ये रिंग बना लिया। बीच में जो ये डबल अल्टरनेटिंग बॉन्ड हैं इनको आसानी के लिए हमने इस रिंग से जाहिर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि हम ये पूरा लिखते, हम सिंपल एक ऐसा रिंग बना देंगे, और इसका मतलब एग्जैक्टली यही होगा कि चाहे हम ये लें या ये लें, इन दोनों की बात एक ही है। तो ये आपने याद रखना है कि बजाय इस तरह का पूरा रिंग लिखें, आप इस तरह का एक रिंग बना देंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन बनी वो ये बनी कि ऑलमोस्ट ऑल या तमाम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स विच हैव अ 6 कार्बन यूनिट इन देयर मॉलिक्यूल लाइक बेंजीन आर कॉल्ड अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें बेंजीन रिंग भी हो सकता है और उसके साथ साथ जो जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन कंपाउंड्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये तो आप जो मेरे साइड पे देख रहे हैं ये है बेंजीन रिंग। अब इससे रिलेटेड क्या है, दूसरी एग्जांपल दिखाते हैं जहां ये दो बेंजीन रिंग आपस में डिफ्यूज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो चीज बनी इसको हम कहते हैं नेफ्थलीन। फिर इसी बेंजीन रिंग के ऊपर एक मैं फंक्शनल ग्रुप लगा दूं तो जैसे मिथाइल, तो वो बन जाएगा टोलीन, ठीक है। फिर अगर इन दो रिंग्स लूं और उनको आपस में बजाय डिफ्यूज करने के एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दूं तो वो बनेगा बायफेनाइल। यहां तक हम समझ गए कि अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें या तो बेंजीन रिंग होगा या फिर उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। अब नेक्स्ट जो चीज हम देखते हैं बेंजीन रिंग के बारे में वो ये है कि इट हैज अ रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। दो चीजें हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड प्लेनर, दोनों को वन बाय वन देखते हैं। हेक्सागोनल का मतलब 6 कॉर्नर्स हैं इसके, और आप देख सकते हैं मेरे सामने कि हमने कार्बन एटम्स को एक बॉल से जाहिर किया है, तो ये 6 कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है इन्होंने 3D स्पेस में। अब अगर हम ये रोटेट करें या इसको डिफरेंट एंगल से देखें तो हम नोट कर सकते हैं कि ये एक ही प्लेन में हैं सब, ये कार्बन हाइड्रोजन एटम्स सारे एक ही प्लेन में हैं। इसका मतलब सेम प्लेन का मतलब ये प्लेनर हो गए। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, और वो ये है इनकी क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई करें मजीद एरोमेटिक कंपाउंड्स को। तो वो क्या है, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं या तो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, मोनोसाइक्लिक का मतलब वो जिनमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग होगा, एंड देयर डेरिवेटिव्स यानी जो उस रिंग के साथ अगर कोई चीज अटैच करते हैं जो चीज बनेगी वो कहलाएगी डेरिवेटिव, यानी उससे जो चीज नहीं बने। नेक्स्ट जो इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन है वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसके अंदर या तो आइसोलेटेड रिंग्स होंगे या फिर डिफ्यूज रिंग्स होंगे। अब ये आइसोलेटेड या डेरिवेटिव इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। मैंने कहा अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ कोई चीज अटैच कर दूं जैसे कि मिथाइल ग्रुप, तो ये एक डेरिवेटिव है बेंजीन रिंग का, इस केस में हम इसे टोलिन का नाम देंगे। इसी तरह अगर मैं इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दूं जो चीज नहीं बनेगी उसे हम कहेंगे ये फिनोल है। सिमिलरली अगर मैं NH2 अटैच कर दूं तो ये बनेगा एनिलीन। सी डबल बॉन्ड OH अटैच कर दूं तो ये बनेगा बेंजोइक एसिड, और आपको पता है सी डबल बॉन्ड OH को हमने
कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दिया था 8th चैप्टर में जब हमने इसे स्टडी किया था। इसी तरह अगर मैं CHO लगा दूं इसके साथ तो ये बेंजल डीहाइड बन जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड से अगर मैं SO3H लगा दूं तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं मोनोसाइक्लिक हैं, यानी इन सब में सिर्फ एक साइकिल या एक रिंग है बेंजीन का, और ये डेरिवेटिव हैं, यानी कि ये हमने रिंग के साथ कोई चीज़ अटैच करके इनको बनाया है। ये साइड तो हम समझ गए। अब पॉलीसाइक्लिक की एग्जांपल देखते हैं। पॉलीसाइक्लिक में सबसे पहले हम आइसोलेटेड रिंग्स देखते हैं। इसके साथ में रिंग्स का मतलब एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो रिंग्स हैं, ज्यादा रिंग होंगे और वो आइसोलेटेड के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे से रखना है नहीं होंगे बल्कि बेंजीन से कनेक्टेड होंगे। जैसे एक हाइड्रोजन निकाल देख सकते हैं, चीज बनेगी उसे हम फिनाइल, दो बेंजीन रिंग है इसमें, दो फिनाइल ग्रुप हैं कनेक्टेड, तो ये बनेगा डाइफिनाइल। इसके साथ में अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो रिंग्स हैं CH4 में से अगर मैं दो के साथ कनेक्ट करूं तो क्या बचेगा। अब आपने याद रखना है अगर बेंजीन में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं जो चीज की जगह फिनाइल ग्रुप बना देता हूं तो जो चीज बनेगी इसमें दो फिनाइल डाइफिनाइल, तो ये बनेगा डाइफिनाइल। तो हमने मीथेन का आइसोलेटेड रिंग्स भी देखे हैं। CH4 इसकी हम CH4 में से अगर मैं दो H निकाल दूं तो क्या बचेगा। CH डिफ्यूज में क्या होगा, हाइड्रोजन दो रिंग्स होंगे और आपस में डिफ्यूज हुए होंगे, मैं उनकी जगह फिनाइल ग्रुप लगा देता हूं तो जो चीज बनेगी बनेगी नेफ्थलीन के अंदर दो रिंग्स हैं जो आपस में डिफ्यूज हुए हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम देखते हैं आइसोलेटेड रिंग्स भी देखते हैं। फेनेंथ्रीन की इसमें तीन रिंग है, क्लासिफिकेशन में चीज अच्छा यहां पे है डिफ्यूज रिंग, नंबर ऑफ रिंग्स में क्या होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो और आपस में तो उनकी पोजीशन भी है जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कौन से पोजीशन पे नेफ्थलीन है, ये रिंग नेफ्थलीन के अंदर दो रिंग्स हैं जो आपस में डिफ्यूज हुए हैं फॉर्म में। ये नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम देखते हैं डिफ्यूज है फेनेंथ्रीन की, इसमें तीन रिंग आपस में डिफ्यूज होंगे अच्छा यहां फेनेंथ्रीन बनेगी। अगर ये तीनों इस तरीके से ही खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तीन हो जाएंगे तो उनकी पोजीशन की है कि कौन से पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ये रिंग कंपाउंड क्या होगा और ये किसकी अरेंजमेंट किस तरीके से है ये रिंग्स पे डिपेंड करता है दूसरे के अंदर। तो इसके साथ ही हमारा अगर इस फॉर्म में तीन रिंग आपस में डिफ्यूज होंगे तो फेनेंथ्रीन बनेगी, अगर ये तीनों इस तरीके से होंगे तो एंथ्रासीन कहलाएगी। तो यानी कि इसके साथ ही हमारा रिंग्स पे भी डिपेंड करता है कि अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अपने अरेंजमेंट किस तरीके से है इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।